नमस्कार, मैं राकेश शेट्टी, सह सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल और गुजरात का प्रभारी। बहुत दुखद घटना हुई है थाना शहर में। जैसे आप जानते हैं कि 40 साल के जो हमारे भरत जैन है, उनकी बॉडी ये थाना कलवा क्रीक में मिला है कल 20 तारीख को। 14 तारीख से रात के 11 बजे इनका अपहरण उनके ज्वेलरी शॉप के बाहर से थाना के सेंट जॉन स्कूल के पास से हुआ है। 15 तारीख को पूरा परिवार थाना नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराने जाती है, मिसिंग कंप्लेन फाइल करती है, मगर थाना पुलिस ने इस मामले को कोई गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने यही दिलासा दिया भरत जैन की मिसेस को, उनके भाई सुनील जैन को, कि आपका भाई 2 दिन में आ जाएगा। आज इतने दिन के बाद, 7-8 दिन के बाद आज उनका बॉडी रिकवर हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि थाना नौपाड़ा पुलिस के सीनियर पीआई सिरसागर जी ने बहुत कैजुअल अप्रोच इस केस में लिया। सुनील जैन जो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी है, उन्होंने मेहनत कर सीसीटीवी फुटेज एक्वायर किया और पुलिस को बताया। रात के 11 बजे एक गाड़ी जिसमें 3 लोग और ड्राइवर ने ये सुनील जैन के जो भाई है भरत जैन को गाड़ी में बिठाते हैं, उनसे जबरदस्ती चावी लेते हैं और वो लोग 1 घंटा तक दुकान के अंदर जाकर जो भी सामान ज्वेलरी का लूट कर लेके जाते हैं। उसके बाद जो पुलिस ने सीसीटीवी सर्च किया तो तलाव पाली के 2-3 चक्कर वो गाड़ी मार रही है। रात के 3-4 बजे तक वो गाड़ी घूम रही है। इतना सब होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में डिले किया। 17 तारीख को, 14 तारीख का केस है, 17 तारीख को एफआईआर दर्ज करती है। ये क्लियर केस है किडनैपिंग एंड मर्डर का, इसमें 2 राय नहीं है। पुलिस, थाने पुलिस के जो सीनियर पीआई है सिरसागर जी, उन्होंने अगर टाइम पे एक्शन लिया होता, सर्च पार्टी को भेजा होता, इंक्वायरी किया होता सही ढंग से, तो आज भरत जैन हमारे बीच में आज मौजूद होता। मुझे ऐसा लगता है कि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे और थाना पुलिस कमिश्नर जी को इस केस को ऊपर ध्यान देना चाहिए। दिन दहाड़े एक ज्वेलर को किडनैप किया जाता है, इसका रियल रीजन हमें पता नहीं, एक्सटॉर्शन है जाता है, इसका रियल रीजन हमें पता नहीं, एक्सटॉर्शन है, किडनैपिंग है या और कुछ दुश्मनी है। अभी तक पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट नहीं किया है। मेरी पूरी जो हमारे ज्वेलर कम्युनिटी के भाई बहन है, जैन कम्युनिटी के भाई बहन है, उनसे कहना चाहता हूं कि ये जो घटना आज घटी है और इतना कैजुअल अप्रोच जो थाना नौपाड़ा पुलिस स्टेशन का था, हमें सबको इकट्ठा आना पड़ेगा और हमें हमारी एकता दिखानी पड़ेगी। मैं हमारे जैन कम्युनिटी के और पूरा ज्वेलरी एसोसिएशन में जितने हमारे मेंबर्स हैं, सबसे ये कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग हमारी दुकान तब तक बंद रखेंगे जब तक पुलिस सही आरोपी के हमारे सामने नहीं लाते। मैं थाने पुलिस कमिश्नर जी से ये मांग करना चाहता हूं कि आप ताबड़तोब इस केस को क्राइम ब्रांच में दीजिए ताकि सही आरोपियों को अरेस्ट किया जाए। ये जो डिले नौपाड़ा पुलिस स्टेशन ने किया है, वहां के सीनियर पीआई ने किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये जो टैक्सी ड्राइवर है, इनको तापुर तो पुलिस ने पकड़ लिया था, इंक्वायरी करके उसको छोड़ दिया। जब वो ड्राइवर देख रहा है कि एक दुकान के, ज्वेलरी दुकान के सामने लोग जा रहे अंदर, सब लूट के आ रहे, तभी भी उस ड्राइवर का काम था कि वो पुलिस स्टेशन में बताए कि कल ऐसा ऐसा हादसा हुआ। पुलिस ने वो ड्राइवर को बुलाया, पूछताछ किया और उसको फ्री छोड़ दिया। ड्राइवर जरूर जानता है कि वो बाकी के 3 लोग कौन हैं। और मेरी ये मांग है थाना पुलिस कमिश्नर से कि तापड़ तो ये सही आरोपियों के हमारे सामने लाए। क्योंकि ये जो डर का माहौल आज जैन कम्युनिटी में और ज्वेलरी दुकानों के मालिकों के बीच में है, इसको समाप्त करने की जरूरत है। और हम सब लोग आज खड़े हैं भरत जैन को न्याय दिलाने के लिए। उसका जो भाई जो कांग्रेस कार्यकर्ता है सुनील जैन जी,
उन्होंने लगातार पुलिस स्टेशन में जा जाके, रोज पुलिस स्टेशन में जाके बैठता था, सीसीटीवी फुटेज दे रहा था और जो एविडेंस कलेक्ट कर रहा था। मगर सही तरीके से अगर नौपाड़ा पुलिस ने काम किया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि भरत जैन को बचाया जा सकता था। मैं फिर एक बार हमारे ज्वेलर एसोसिएशन के सब भाई और जैन कम्युनिटी के सभी लोगों से कहता हूं कि आप सबको एक साथ आने की जरूरत है, तभी जाकर पुलिस हरकत में आएगी। और आज शनिवार के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी और इमीडिएटली सभी लोग अपनी दुकान को बंद करिए और तब तक नहीं खोलेंगे जब तक आप सही आरोपी को हमारे सामने नहीं लाते। जय हिंद।